नमस्कार, अनादि टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में मैं पूनम जैन आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। देवी के नौ रूपों की आराधना और उपासना का महापर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे समाज में स्त्री को भी देवी का दर्जा दिया गया है। वेद कहते हैं कि जिस जगह स्त्री को सम्मान मिले वहाँ खुद देवता निवास करते हैं। ऐसा कहने की वजह यह है कि स्त्री ने अपने विभिन्न रूपों के जरिए खुद को किसी न किसी तरह देवी से जुड़ा हुआ पाया है। आज के कार्यक्रम में देवी और नारी के बीच के महत्वपूर्ण तत्व की ही हम व्याख्या करेंगे। अभिनय की कला किसी साधना से कम नहीं होती है। जिस तरह पूजन के समय देवी की कल्पना को मन में उतारा जाता है, उसी तरह अभिनय के वक्त किरदार में उतर जाना भी बहुत जरूरी होता है। मंच हो या बात हो कैमरे के सामने जाने की, सच्चे कलाकार ऐसे में दैवीय तत्व से जुड़ते हैं। तो कैसा होता होगा यह एहसास? भोपाल की नीति श्रीवास्तव रंगमंच की एक जानी मानी हस्ती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों सहित प्रदेश में भी उन्होंने नाटकों की प्रस्तुति दी है। नीति बता रही हैं कि किस तरह उनकी अभिनय यात्रा देवी के किसी स्वरूप से कभी भी अछूती नहीं रही। नवरात्रि में देवी के नौ रूपों को मैं नौ रसों के रूप में देखती हूँ। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। मेरा ये मानना है कि एक कलाकार मंच पर अभिनय नहीं करता, बल्कि वो पात्रों को जीता है। जिस प्रकार एक भक्त नवरात्रि में देवी की आराधना करता है, आह्वान करता है, भक्ति करता है, फिर उस शक्ति के अंश को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार भी नाटक की तैयारी के साथ ही पात्रों का आह्वान, आराधना, भक्ति करता है, फिर उस शक्ति के अंश को मंच पर अभिनीत करता है। यदि हम प्राचीन संस्कृति या लोक नाट्यों की बात करें तो यदि बंगाल का जात्रा या दुर्गा पूजा या गुजरात का गरबा, ये सब कहीं ना कहीं देवी की आराधना ही है। और वैसे भी नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने हजारों साल पहले आत्मा से परमात्मा और नर से नारायण होने की कथा कही है। और यदि हम पाश्चात्य की बात करें तो स्टैनिस्लावस्की, जिन्हें हम मेथड एक्टिंग का जनक कहते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि एक अभिनेता को आध्यात्मिकता के भावों से भरा होना चाहिए। ऐसे उपासकों की कोई कमी नहीं है जो अपने साथ देवी की मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता था कि वह साक्षात देवी से संवाद किया करते थे। आज भी बहुत से भक्त यही कहते हैं कि किसी परेशानी या उलझन के समय वह अदृश्य माँ से अपनी बात साझा करते हैं और उन्हें उसका निदान भी मिलता है। इस अद्भुत संयोग की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी मौजूद है, जिसके जानकार बताते हैं कि देवी किस तरह काउंसलिंग के लिए भी आवश्यक तथ्यात्मक क्षमता प्रदान करती है। भोपाल की ही गीतिका पाटकर सोलंकी साइकोलॉजिस्ट होने के साथ ही लर्निंग डिसेबिलिटी की विशेषज्ञ भी हैं। देवी से जुड़े अपने तजुर्बों पर गीतिका का यह कहना है। सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मनोविज्ञान एक मन का ज्ञान है, एक मन का विज्ञान है, और इसको हम अपने नौ दुर्गा की नौ देवियों के साथ बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो प्रथम देवी हैं वो शैलपुत्री, जो अच्छी सेहत और भय से मुक्ति का संदेश देती हैं।
और अगर हम सभी अपने मनोविज्ञान को स्वस्थ रखते हैं तो भय लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। और द्वितीय देवी हैं बुद्धि की, जो बुद्धि का विकास करती हैं, हमारी ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी बुद्धि के विकास की ओर संकेत देती हैं। और चंद्रघंटा देवी जो हमारी तृतीय देवी हैं, वो सभी तरह के अशुभ और संकटों का नाश करती हैं। अगर हमारा मन का विज्ञान, अगर हमारा मनोविज्ञान स्वस्थ है तो हम सभी देवियों के द्वारा दी गई शक्तियों का अपने अंदर अर्जन कर सकते हैं। अगर अर्जन कर पाएंगे तो हम लोगों को, समाज को और अपने सभी साथियों को भी वही दे पाएंगे। बुद्धि और बातचीत, ऐश्वर्य, इच्छा पूर्ति, अच्छी सेहत और एक सब्र बनाए रखना, यही तो नौ देवियों का संदेश है। नौ दुर्गा हो आती ही इसीलिए है ताकि हम साल के 365 दिनों में से हमारे उन नौ दिनों में ऐसी साधना कर सकें कि अपने ही अंदर की कमियों को, अपने ही अंदर की जो कमियां हैं, हम उनको, उनकी पूर्ति कर सकें और हमारे अंदर एक नए ऊर्जा का संचार कर सकें। चलिए अब सुरमई बात करते हैं। गायकी का हुनर जिसे मिलता है उसके लिए कहा जाता है कि यह माँ सरस्वती की कृपा है। देश में ज्यादातर दिग्गज गायक भी माँ का स्मरण किए बगैर अपनी प्रस्तुति नहीं देते हैं। सुरीला गला साक्षात ईश्वर की नेमत होता है, जिसकी कशिश से बच पाना मुश्किल है। और फिर जब बात नवरात्रि की हो तो इसी गायन के किसी गरबा गीत में ढल जाने का सुखद संयोग बन जाता है। तृप्ति बिल्लौरे ने भोपाल में बचपन बिताया, अब वह इंदौर में रह रही हैं। प्रदेश स्तर के विभिन्न आयोजनों में तृप्ति ने अपनी गायकी का सशक्त परिचय दिया है। इस नवरात्रि पर तृप्ति खुद की इस कला को देवी के चरणों में इस तरह अर्पित कर रही हैं। सभी का पूजा करने का, माँ को मनाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई व्रत उपवास रखता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई हवन करता है। माँ को गरबा अति प्रिय है और माँ की आराधना का गरबा एक बहुत ही अच्छा उपाय है, एक अच्छा तरीका है माँ को प्रसन्न करने का। जो भी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं वो गरबा गाते हैं या गरबा अवश्य करते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि माँ मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मैं एक माँ को मनाने के लिए, माँ की उपासना के लिए एक गुजराती गरबा गा रही हूँ। माँ अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवाओ, कि मारी घणी खम्मा खम्मा खम्मा। कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवाओ, कि मारी घणी खम्मा खम्मा खम्मा। चाचर केरा चौके माड़ी गरबे रमवाओ, कि मारी घणी खम्मा खम्मा खम्मा। कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवाओ, कि मारी घणी खम्मा खम्मा खम्मा। चाचर केरा चौके माड़ी गरबे रमवाओ, कि मारी घणी खम्मा खम्मा खम्मा। कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवाओ, कि मारी घणी खम्मा। गीत संगीत की ही बात को आगे ले चलते हैं। नृत्य के अनेक स्वरूपों में भक्ति और आराधना भी शामिल होती है। नृत्य की मुद्राओं में डूबते हुए कलाकार का किसी ईश्वरीय अनुभव से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल गरबा का नृत्य ही माँ की आराधना का प्रतीक हो। इस विधा के अनेक पहलू किसी न किसी तरह खुद को देवी से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी है। नृत्य सहित ही गायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में डॉक्टर रश्मि पांडे ने एक अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर पांडे से ही सुनते हैं कि एक नृत्यांगना के लिए अपनी इस कला में देवी की अनुभूति का किस तरह संचरण होता जाता है। शास्त्रीय नृत्य में मंत्रोच्चार और भाव भंगिमा, मुद्राओं का प्रयोग, ये तो अपनी जगह पर अलग है क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार है। यदि हम देखें
कि जो गरबा नृत्य होता है, फोक डांसेस होते हैं, हर तरह के, हर तरफ के, वो सारे ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। वो किन्हीं पर्वों पर किए जाते हैं, और जो भी पर्व हैं वो हमेशा ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। उन पर अलग अलग तरह से नृत्य करना और उसकी गति, उसके लय इत्यादि जो हैं वो आपको और भावातिरेक में बहा के ले जाती हैं, और वो सीधे जाके आपको ईश्वर से जोड़ती हैं। माँ की उपासना के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा माध्यम यदि कोई है तो हमारी नृत्य शैलियाँ हैं। जितनी भी नृत्य शैलियाँ देख लीजिए आप, चाहे वो लोक नृत्य शैली हो, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, सभी जो हैं वो ईश्वर, सबसे सशक्त माध्यम यदि कोई ईश्वर तक पहुँचने का है तो वो नृत्य है। और नृत्य के द्वारा की जाने वाली उपासना के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम एक उपासक की तरह हैं इस समय, तो उसको हम अलग ढंग से देखते हैं। सृजन का संसार ही निराला होता है। मन में उठी अनुभूति कुछ यूं कही, लिखी या प्रदर्शित की जाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साहित्य में रचना का निर्माण वह सुखद घटना होती है जो किसी दैविक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है। मूलतः मीडिया से जुड़ी भोपाल की रहने वाली श्रुति कुशवाहा की साहित्य में गहरी रुचि और पकड़ दोनों है। लिखने और पढ़ने की अपनी इस खूबी को श्रुति ने इस तरह देवी की अवधारणा से जोड़ा है। रात्रि के इस पावन पर्व पर जब मैं वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि से देखती हूँ तो मेरे सामने एक धारणा आती है प्रकृति और पुरुष की, जिसे हम ब्रह्मा और माया भी मानते हैं। प्रकृति जीवनदायिनी है, प्रकृति उदार है, प्रकृति कोमल है, प्रकृति हमें जीवन देती है, प्रकृति हमें अनाज देती है, लेकिन यही प्रकृति अगर क्रुद्ध हो जाती है तो विध्वंसकारी भी साबित हो सकती है, जैसे हम नौ दिनों में देखते हैं एक स्वरूप माँ काली का भी है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ तो मेरे सामने आता है अर्धनारीश्वर का स्वरूप। इसके अलावा हम कृष्ण भक्ति में भी एक मार्ग ऐसा देखते हैं जहाँ पर ये धारणा प्रचलित है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में केवल कृष्ण ही हैं जो पुरुष है, बाकी समस्त जीव स्त्री हैं। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि अब जब हम नौ दिन तक माँ की भक्ति में लीन रहने वाले हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हर स्त्री के अंदर अगर कुछ पुरुष का स्वरूप उपस्थित है तो हर पुरुष के अंदर भी स्त्री की भावनाएं, स्त्री किसी न किसी रूप में मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर आज हम ये सामाजिक स्थितियाँ क्यों देख रहे हैं? माँ की पूजा अर्चना के साथ हमारी सच्ची श्रद्धा तभी साबित होगी, मुझे लगता है, जब हम इस पृथ्वी को, जब हम इस समाज को इस लायक बनाएं कि यहाँ पर हर स्त्री सुरक्षित महसूस करे, हर स्त्री को जीने का उसी तरह से अधिकार मिले जैसे कि पुरुष के पास है, पुरुष और स्त्री में कोई विभेद ना हो। इन नौ दिनों में हम पूरी श्रद्धा से पूजा करें। इसी के साथ मैं ये कामना भी करती हूँ कि हम सब मिलकर माँ के सामने ये प्रण करे कि इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे समाज को, इस पूरी धरती को स्त्री के लिए भी उतना ही सुंदर बनाएंगे जितना ये बाकी सबके लिए है। वादकों के लिए भारतीय अवधारणा यह मानती है कि वह साक्षात ईश्वर अनुभूति का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगीत के रसिक भी वादन की प्रक्रिया को किसी उपासना से कम नहीं आंकते हैं। जब अनुभूतियों का स्तर इतना खास हो तो फिर वादक के खास रहने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। देश की पहली महिला वादक के तौर पर श्रुति अधिकारी ने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई है। संतूर की स्वर लहरियों की गूंज को अपने में समाये श्रुति ने इस नवरात्रि पर माता का इस तरह स्मरण किया है। नवरात्रि हमारे देश में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें नौ दिनों तक शक्ति की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली को पूजा जाता है, इनके रूपों को पूजा जाता है। हमारा पूजा का माध्यम संगीत है। चूंकि मैं संगीत से जुड़ी हूँ और ईश्वर तक पहुँचने का, अपनी पूजा पहुँचाने का
संगीत एक बहुत सहज और सरल माध्यम है और हमारी यह परंपरा भी रही है। हमारी परंपरा पद्धति में स्तोत्र, मंत्रोच्चार, भजन, कीर्तन, आरती ये सभी शामिल हैं और इन सभी में संगीत शामिल है। तो ये हमारा पूजा का माध्यम जो है वो संगीत के माध्यम से और आसान हो जाता है। मेरा पूजा का माध्यम मेरा संतूर है और इस नवरात्रि में भी मैं अपने संतूर के माध्यम से देवी माँ की आराधना करूँगी, पूजा करूँगी, अर्चना करूँगी और आप सभी को इस नवरात्रि के अवसर पर पुनः पुनः एक बार शुभकामनाएं। दूसरों के बीच शिक्षा की रोशनी फैलाना भी किसी धार्मिक काम से कम वाला पुण्य नहीं है, क्योंकि तालीम देना वह उपासना है जो किसी टीचर को बहुत सम्मानजनक दर्जा देती है। यदि विद्या मिलने के हुनर को देवी से जोड़ा जाता है तो विद्या देने की कला को भी इससे कम मुकाम नहीं दिया जा सकता है। भोपाल के श्री सत्य साई कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा चौहान पढ़ाने और उसी शिक्षा को अपने विशिष्ट तरीके से प्रतिबिंबित करती है। सुनिए क्या कहना है इस अनुभूति के लिए अनुपमा चौहान का। माँ भगवती का चैतन्य स्वरूप संपूर्ण प्रकृति में समाहित है। प्रकृति में जो चैतन्यता व्याप्त है वह शक्ति का ही स्वरूप है। जब एक रचनाकार होने के नाते हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति के क्रियाकलाप कविता के रूप में हमारे हृदय में रूप धारण करने लगते हैं। पर जब प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन होता है, धीरे धीरे जब प्रकृति के साथ हमारे आत्मीय संबंध होते जाते हैं तो प्रकृति स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर पर अपने रहस्यों का उद्घाटन करने लगती है और तब हमारे शब्द मौन हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की इस स्तुति में कई भाव समाहित हैं, दया, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य। वात्सल्य तो माँ का रूप ही है जो निरंतर भक्तों का रक्षण करता है। ये सारे भाव नारी में सहज रूप से प्राप्त होते हैं। एक माँ, एक रचनाकार और साहित्य की शिक्षक होने के नाते मैंने ये अनुभव किया है कि ये भाव धीरे धीरे परिष्कृत होते जाते हैं और जिन पंक्तियों को हम बरसों बरस से पढ़ा रहे थे उनमें अचानक नए अर्थों की उद्भावना होने लगती है और ये अर्थ हमें शोध की ओर प्रेरित करते हैं, शोध के नए द्वार खुलते जाते हैं। निश्चित ही ये क्षमता महाशक्ति भगवती की कृपा से ही आती है। माँ इस विश्व को ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। देवी के अरबों भक्त भी उन्हें माँ कहकर पुकारने में खुद के लिए सुरक्षा के भाव का अनुभव करते हैं। देवी में निहित ममत्व का तत्व वह भाव है जिसका पालन कर कोई स्त्री अपने जीवन को सभी के लिए आदर्श बना सकती है। भोपाल की रहने वाली हर्षिता शास्त्री ने माँ होने के अनुभव को पूरी शिद्दत से जिया है। हर्षिता की ही जुबानी सुनिए माँ होने के भाव के देवी से जुड़े पक्ष को। एक माँ के तौर पर मैंने हमेशा ही महसूस किया है कि अलग अलग देवीय स्वरूपों की प्रेरणा साथ देती है, फिर वह चाहे लालन पालन की बात हो या फिर हो संस्कार देने का काम। देवी कहीं ममता की प्रेरणा का काम करती है तो कहीं अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर भी बहुत अच्छे से उनके माध्यम से समझाया जा सकता है। देवी के पुराणों या कथाओं से शिक्षा लेकर मैंने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है कि अंततः हार हमेशा बुराई की होती है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। देवी के सरस्वती वाले स्वरूप से यदि मैं बच्चों को शिक्षा और संस्कार बताती हूँ तो उस समय माँ के गुस्से वाले स्वरूप का स्मरण कर बच्चों पर अंकुश का काम भी करती हूँ। माँ होना एक बड़ी ही चुनौती है, खासकर तब जब आप पर लगातार महसूस करें
कि आपके ऊपर परिवार को आगे बढ़ाने और उसके ज़रिए समाज निर्माण में सहयोग करने का जिम्मा है। ऐसे में दिव्य शक्तियों से मिली प्रेरणा मुझे बहुत ताकत प्रदान करती है। जब मैं अपने बच्चों को गलत के सिवाय और किसी बात से न डरने के लिए कहती हूँ, तो कहीं ना कहीं देवी की शक्ति वाला स्वरूप मुझे उनके लिए प्रेरित करता है। जिस समय मैं बच्चों से संस्कार और संस्कृति की बात करती हूँ, तब मेरे दिमाग में माँ सरस्वती की प्रेरणा का काम करती हैं। निश्चित ही सही बात को स्थापित करने के लिए कई बार देवी के क्रोधित स्वरूप को मुझे अपने व्यवहार में उतारना पड़ता है। यह केवल धार्मिक भावनाएं नहीं हैं, इनका बहुत बड़ा आत्मिक महत्व भी है। रोज की पूजा यदि मुझे आत्मशक्ति प्रदान करती है, तो देवी से जुड़े तमाम प्रसंगों को याद रखकर सार्वजनिक जीवन में मैं खुद और अपने परिवार को कई गलतियों से बचाने में कामयाब आई हूँ। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में बात कानून की देवी से जुड़ी हुई। इंसाफ की देवी के लिए कहा जाता है कि उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इन छिपी हुई आंखों में भी कानून और सत्य के लिए वह संदेश छिपे हुए हैं, जिन्हें समझकर कोई जीवन सफल बनाया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना में NIA के विशेष लोक अभियोजक छाया मिश्रा ने मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी वकालत की है। इस प्रोफेशन के देवीय स्वरूप के बारे में छाया के विचार सुनिए। दशहरा में जैसे दुर्गा जी के द्वारा जैसे असत्य के ऊपर सत्य से विजयी होती है, उस तरह से हम लोग वकील दुर्गा जी से शक्ति लेकर इनकी आराधना करके न्यायालय में अपने वकीलों को जिताते हैं बहस करके। हम तो सभी जानते हैं कि दुर्गा पाठ में सरस्वती जी की भी वंदना होती है, और सरस्वती जी की वंदना करना, दुर्गा जी की पूजा करना हम वकील के लिए बहुत शक्ति देती है। इस तरह से न्याय को न्याय मंदिर कहा जाता है, इसमें अन्याय के खिलाफ लड़ाई की जाती है। ठीक उसी तरह से दुर्गा जी भी अपने त्रिशूल से असुरों का वध करके विजयी हुई थी, उसी तरह से हम लोग भी अपने बहस से अपनी इस वकालत पेशा में वाक्पटुता को तर्क अपनाते हुए विरोधी पार्टी को परास्त करते हैं। दुर्गा जी की आराधना करना हम वकीलों के लिए बहुत उपयोगी होता है, शक्ति देती है। इनकी आराधना से हमें शक्ति बल बुद्धि मिलता है, तर्क करने की शक्ति वृद्धि होती है। जिस तरह से दुर्गा जी इस संसार में अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाई, उस तरह से हम वकील लोग भी अपनी क्षमता से अपनी तर्क वाक्पटुता से अपनी दुश्मनों को अपनी क्लाइंट के लिए हराते हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।